हेलो दोस्तों, आज हम बात करने रहे हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है अब क्या करा जा रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स जितने भी हैं उसके लगभग जो है यहाँ पर 4 गुना 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है ताकि वो रिक्त पद फिल हो सके, जिन पर जो है काफ़ी बार वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी यहाँ पर नहीं फिल हो पा रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए रीज़न ये है कि बार बार रिपीटेड नाम उन्हीं अभ्यर्थियों के हैं जो यहाँ पर नियुक्ति नहीं ले रहे हैं। तो इसी वजह से विभाग ने अब क्या कर दिया कि उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है भर्ती से बाहर करते हुए नई जो लिस्ट निकाली है उस पर क्या कर दिया है कि ज़्यादा लोगों को बुला दिया गया है ताकि उन लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्ति मिल सके जो लोग छोड़ जा रहे हैं, या कई लोग जो है ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है नियुक्तियाँ नहीं ले रहे हैं और उसकी वजह से जो पीछे के कैंडिडेट के वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर ये बीएड में तो खैर नहीं आ रहा है, ठीक है, डीएलएड वालों के लिए ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखा होगा कि यहाँ पर कि जो आपकी पौड़ी जनपद का है इसका पीडीएफ मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। जिनको ग्रुप से मिल गया है वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, बाकी नहीं तो यहाँ से आप कर सकते हैं सभी लोग। और एक पद के सापेक्ष यहाँ पर एक से अधिक बार यहाँ जो अभ्यर्थी को बुलाया गया है और जिन लोगों ने नियुक्तियाँ नहीं ले रखी हैं, मतलब कि काउंसलिंग नहीं करवा रहे, बार बार लिस्ट में नाम आ रहा है काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, उनको हटा दिया गया है। यानी कि अब उनकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी, उसकी जगह पर दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको होगा। ठीक है, इससे यहाँ पर जो है आपकी जो नियुक्तियाँ प्रक्रिया है वो जल्दी प्रक्रिया कम्प्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कुमाऊँ में लगभग जो है कम्प्लीट हो चुके हैं ज़्यादातर, और पिथौरागढ़ का छोड़कर। ठीक है, बाकी गढ़वाल में अभी पौड़ी बचा है, टिहरी बचा है, बाकी जनपद भी बचे हुए हैं। जैसे उत्तरकाशी में काम पोस्ट थी वहाँ पर लगभग हो ही चुका, आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो ही चुका है। ऐसे आपके टिहरी है, चमोली है और जनपद हैं, यहाँ पर भी आपको बार बार रिपीटेशन नाम आ रहे थे और बेरोजगारों ने इसको लेकर जो है रिपीटेशन नाम ना आए करके एक ज्ञापन भी दिया गया था, और उसी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि बाद में लगभग जो है वो कह रहे थे कि 25% वेटिंग लिस्ट वालों को जल्द निकालें, लेकिन क्या किया गया है इन्होंने डीएलएड वालों को ही निकाल रखा है ज़्यादा लोगों को। बीएड वाले तो उतने ही हैं जितने इनके होने चाहिए थे, और लेकिन अगर डीएलएड वालों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीएलएड कैंडिडेट के नाम है, लगभग लगभग एक पद पर 4 या 3 लोगों को बुला रखा है, अप्रोक्सीमेट नहीं कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चेक किया है वो लगभग जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट वार, ठीक है, सब्जेक्ट वार पर डिपेंड कर रहा है कि लगभग कहीं पर 2 गुना कहीं पर 3 गुना कहीं पर 4 गुना कैंडिडेट के हिसाब से बुलाया गया है। उस हिसाब से यहाँ पर जो है उनको अलग अलग तरीके से बुलाया गया है और लगभग जो है इसमें 200 के करीब आपको देखने को मिलेंगे बीएड डीएलएड वाले, और डीएलएड लगभग जो है 170 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से, आप अच्छे से अपना अपना चेक कर सकते हैं जिसका भी नाम रखें, और 5 तारीख को इसकी यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। और जिन लोगों ने अभी तक नियुक्ति नहीं करवा रखी है, ठीक है, तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जनपद में यहाँ पर कई लोगों ने करवा ली होगी, उन्हें तो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बार बार निकल रही है। तो डीएलएड वाले की ज़्यादा लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है, बीएड वाले भी हैं लेकिन थोड़ा कम है बीएड वाले इसमें। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका।